सब्सक्राइब कीजिए तारा मधु की रसोई चैनल खूबसूरत केक डिजाइंस और इनोवेटिव कुकिंग आइडियाज के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका तारा मधु की रसोई चैनल से। और आज हम सीखेंगे चॉकलेट केक की रेसिपी, साथ ही साथ सीखेंगे उसकी डेकोरेशंस इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। और आज मैं इस केक की डेकोरेशन के लिए यूज कर रही हूँ सिर्फ एक स्टार नोजल को। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमारा केक ठीक से बेक नहीं हो पाता, कारण वो बीच में से पकते पकते ही बैठ जाता है, या फिर वो इतना चिपचिपा बनता है कि वो हाथ में लेने से बिल्कुल मुट्ठी में हलवे जैसा हो जाता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमारे केक में परफेक्टली जाली नहीं पड़ती, यानी कि वो राइज ही नहीं होता। बहुत से लोगों को तो ये प्रॉब्लम भी आती है कि हमने जितना केक टिन में डाला हमें केक उतना ही मिला। इससे रिलेटेड और भी बहुत सी समस्याएँ लोगों को केक बेकिंग करने में आती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप एकदम सही चैनल और सही रेसिपी को देख रहे हैं, क्योंकि आज ये होने वाली केक के संबंधी सारी समस्याओं को दूर करने वाली टिप्स और ट्रिक्स मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, वो भी बिना स्किप किए। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक एल्युमिनियम टिन और साथ ही लिया है एक व्हाइट कलर का पेपर। जी हाँ, आज हम केक बिना बटर पेपर के ही बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं टिन के बेस को पेपर पर ड्रॉ कर लेती हूँ पेंसिल की हेल्प से। ऐसा करने से हमें एक सर्कल मिल जाएगा, ये देखिए। और अब मैं इसको सीजर से कट कर लेती हूँ, ये देखिए। मैंने इस पेपर को आराम से सर्कल की शेप में कट कर लिया है और ये पेपर हमारा टिन में एकदम से परफेक्टली सेट हो रहा है। ये पेपर लगाने से हमारा केक जो है आराम से डीमोल्ड हो जाएगा। चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है एक साफ बाउल और लिए हैं अपने मेजरिंग कप्स। सारे मेजरमेंट मैं इसी से करूँगी। अगर आपके पास ये कप्स ना हो तो आप घर में कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए, बाकी के मेजरमेंट्स उसी से कीजिएगा। फिर आज हम फ्रेंड्स 1.5 कप मैदा से केक बनाने वाले हैं। तो ये लिया है मैंने 1 कप मैदा भर करके। मैंने इसे हल्के हाथों से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा दबा करके या ठूस करके नहीं भरा हुआ है, बस हल्के हाथों से भरा और ऊपर से प्लेन कर दिया। और ऐसा ही मैंने 1/2 कप मैदा और ले लिया है हल्के हाथों से भरा हुआ। आप भी इसी तरीके से भरिएगा, ज़्यादा दबा कर नहीं भरिएगा, उससे मेजरमेंट खराब हो जाता है। और अब मैंने डाल दिया है 1/2 कप मिल्क पाउडर, ये स्किम्ड मिल्क पाउडर है। आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप 2 चम्मच मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। और अब मैं डाल दूंगी इसमें 1/4 कप कोको पाउडर, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपकी च्वाइस के हिसाब से। और अब हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं डालूंगी 1/2 कप मैदा में 1/2 चम्मच, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। 1/2 कप मैदा है तो 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। चम्मच को मैंने हल्के हाथों से भरा बिल्कुल मैदे के जैसे और उंगली से प्लेन कर दिया। ये देखिए 1/2 चम्मच मैं इसमें और डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, मैदा और बेकिंग पाउडर का रेशो अगर ठीक रहेगा तो केक परफेक्ट बेक होगा। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ मीठा सोडा, ये सिर्फ 1 चम्मच डलेगा, बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसे भरा है। और अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 2 पिंच सॉल्ट, इससे हमारे केक में टेस्ट अच्छा आएगा और वो बढ़ करके एनहेंस होकर आएगा। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अब हम इसे लगभग 2 से 3 बार छान लेंगे एक छलनी की मदद से। आप इस स्टेप को कभी भी स्किप मत कीजिएगा। 2 से 3 बार आपको केक का मिक्सचर हमेशा छानना है, इससे मैदे के हर एक कण में एयर आ जाती है और जिससे कि हमारा केक राइज होता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो अपना केक इसी तरीके से बनाते हैं, हमेशा 2 से 3 बार छानते हैं फिर भी हमारा केक राइज नहीं होता, फूलता नहीं है। तो आगे की प्रोसेस में मैं आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ जिससे केक आपका श्योरिटी से फूलेगा ही फूलेगा। हालाँकि छानना भी बहुत ज़रूरी है, पर वो चीज़ें डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मैं अपना केक 2 से 3 बार छान लूंगी। और ये छानने के बाद आपका एक केक प्रीमिक्स भी बन करके रेडी हो जाएगा। इसे आप 2 से 3 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी चाहें केक में बस चीनी मिलाइए और लिक्विड चीज़ें और आपका केक कभी भी तैयार हो सकता है। ये देखिए मैंने इस मिक्सचर को छान लिया है। चलिए अब बनाते हैं इसका बैटर। बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 बाउल और इसमें डाल दूंगी मैं 1 कप पिसी हुई चीनी। हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया हुआ है तो उसकी भी अपनी मिठास होती है, इसलिए चीनी 1 कप ही मैं यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा कम कर सकते हैं थोड़ी बहुत। और अब डालूंगी मैं वो स्पेशल इंग्रेडिएंट यानी कि दही 4 चम्मच, बिल्कुल ताज़ा दही है।
फ्रेंड्स, दही जब सोडा और बेकिंग पाउडर के संग रिएक्ट करेगा तो वो केक को फुलाने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप दही जरूर डालें, दही ना हो तो आप विनेगर या सिरका भी डाल सकते हैं। और अब मैं डालूंगी 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल 1/4 कप ही डालें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा रिफाइंड डालने से या बटर डालने से केक सॉफ्ट हो जाएगा, मॉइस्चर वाला होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। आप ऑयल बिल्कुल सही अमाउंट में ही डालें। और अब मैं डाल दूंगी इसमें 1/4 कप रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध। दूध हम बाद में और डालेंगे, लेकिन अभी इतना ही डालेंगे। और कुछ बूंदे वनीला फ्लेवर की, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोको पाउडर डाला हुआ है तो उसका अपना ही एक फ्लेवर होता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम जो हमने केक का मिक्सचर छान करके रखा हुआ है वो धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। बस एक एक स्पून डालते जाइए और विस्कर से इसे मिक्स करते जाइएगा। आप इस तरीके से केक को बनाइएगा बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ। आई एम श्योर आपका केक एकदम परफेक्टली बेक होगा, क्योंकि केक बेकिंग में सिर्फ मेजरमेंट ही मायने रखता है। तो देखिए मेरा मिक्सचर अब बन रहा है। मुझे यहाँ बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। आप बीच में दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ना डालें। और अब मैं इस बाकी के मिक्सचर को भी ऐड कर लूंगी। और ये देखिए मैंने सारे मिक्सचर को ऐड कर लिया है और मेरा बैटर एकदम बढ़िया से बन करके रेडी हो गया। हमें इसे बहुत देर तक नहीं घुमाना है, बस नॉर्मल 1 मिनट तक घुमाने से ठीक रहेगा। ये देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी है, इसे बोलते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। आपको अपने केक की मिक्सचर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही रखनी है, वो ऐसे गिरना चाहिए, तभी आपका केक एकदम बेक बढ़िया से होगा, वो फूलेगा। चलिए अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं हमारे टिन में, जिसमें हमने पेपर लगा के रखा था। लेकिन उससे पहले हम उसे ग्रीस कर देंगे ऑयल से, उसकी साइड्स में और उसके बेस पर अच्छे से ऑयल लगा देंगे, या फिर बटर लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा पेपर एकदम बटर पेपर की तरह हो गया है ऑयल लगाने के बाद। ऐसा करने से हमारा केक आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। तो चलिए ट्रांसफर कर देते हैं इस बैटर को टिन में। ये देखिए कितना बढ़िया फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की, और मैंने इसे सारे को टिन में डाल दिया है। और अब मैं इसको कर दूंगी थोड़ा सा टैप, ताकि अगर कोई एयर बबल है तो वो निकल जाए इस तरीके का, क्योंकि ये जब केक में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप टैप करके सारे एयर बबल को निकाल दीजिएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा मेजरमेंट बता देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ये जो केक टिन है वो नीचे से ऊंचाई में 2 इंच ऊंचा है, मतलब कि इसकी हाइट जो है वो 2 इंच की है। और मैंने जो केक मिक्सचर अपना बैटर डाला है वो 1 इंच तक डाला है। 1 इंच मैं खाली स्पेस छोड़ दूंगी, ताकि जब मेरा केक राइज हो तो उसको स्पेस मिल जाए। आप भी जब भी बैटर डालें तो इतना उसमें स्पेस छोड़ दें, इससे राइज होने में हेल्प मिलती है। चलिए अब बेकिंग कर लेते हैं। बेकिंग के लिए मैंने रख दी अपने घर की कोई भी पुरानी कढ़ाई, आप भी इसी तरीके से यूज़ कीजिएगा। और अब मैं डाल दूंगी उसमें नमक। आप नमक ना डालना चाहें तो मत डालिएगा, कोई स्टैंड या कटोरी रख दीजिएगा। हमारा मेन मोटो ये है कि हमारा टिन कढ़ाई से टच नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर दूंगी सिम गैस पर। तेज गैस पर प्रीहीट ना करें, वरना कढ़ाई में से धुआं निकलने लगेगा, वो बहुत तेज गर्म हो जाएगी, और जिससे कि हमारा केक बहुत ज़्यादा तेज फूल करके बाहर निकलने लगेगा। और अब मैं रख दूंगी अपने केक टिन को और इसे ढक करके लगभग 30 से 35 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगी। बीच में केक को चेक नहीं करना है, अदरवाइज आपका केक फूलते फूलते रुक जाएगा। गैस को कर दें एकदम सिम पर और 30 मिनट के बाद ही इसको चेक करें। चलिए मेरा आधा घंटा हो चुका है और अब मैं इस केक को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा केक भर करके पूरे टिन में तैयार हो चुका है, अच्छे से राइज हुआ है, बीच में से कहीं से बैठा नहीं है। एक टूथपिक की हेल्प से मैं इसे चेक कर लूँगी। अगर आपकी टूथपिक एकदम क्लीन आती है तो इट मींस आपका केक बेक हो गया है, और अगर थोड़ी भी चिपचिपी आती है तो आप 5 से 10 मिनट और दे दें उसको। मैं बीच में से भी आपको चेक करके बताती हूँ। ये देखिए एकदम क्लीन है, मेरा केक बिल्कुल अच्छे से बन गया। मैं इसमें ही इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और उसके बाद इसे यहाँ से निकालूंगी। ये लगभग 10-15 मिनट हो चुका है ठंडा हुए। चलिए मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। आप इस नमक को वापस से यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा केक ठंडा होने के बाद अपने आप ही उसने टिन के किनारे को छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी हम छुरी की मदद से इसको डीमोल्ड करेंगे। तो मैं इसके कॉर्नर्स को टिन से छुड़ा देती हूँ। आप हमेशा केक को ठंडा होने के बाद ही निकालें, इस तरीके से एंड्स को छुड़ा लें। और अब मैं रख दूंगी इसके ऊपर एक प्लेट और बस इसको कर दूंगी थोड़ा सा उल्टा और जस्ट टिन के ऊपर कर दूंगी थोड़ा सा टैप, ताकि अगर कुछ चिपका भी है तो निकल जाए। ये देखिए आसानी से हमारा केक निकल चुका है, कितना बढ़िया परफेक्टली बेक हुआ है।
आप देख सकते हैं, अब धीरे से इस पेपर को हम रिमूव कर देंगे। आपको फ्रेंड्स ये पेपर देखकर ही पता लग जाएगा कि आपका केक इतना बढ़िया बना है, क्योंकि अगर ये चिपचिपा हुआ इट मीन्स उसमें कोई चीज़ ज़्यादा या कम हुई है। ये देखिए 2 इंच ऊंचा हमारा केक बन करके रेडी है, 1.5 कप मैदा से ही। कितना सॉफ्ट, जालीदार, एकदम परफेक्टली बेक हुआ है। फ्रेंड्स जब हमारा केक अच्छे से बेक हो जाता है तो हमें डेकोरेशन करने में भी बहुत मज़ा आता है, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। ये देखिए कितनी अच्छी इसमें जाली पड़ी है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, ताकि ये आसानी से क्रीमिंग हो पाए। चलिए ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको काट लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सब्जी काटने वाला चाकू लिया है, इसके लिए कोई प्रोफेशनल बेकर के चाकू की जरूरत नहीं है, और लिया है यहाँ पर एक धागा, और बस चाकू से हम इस पे निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स 2 इंच ऊंचा हमारा केक है तो इसमें से 3 लेयर आराम से निकलेंगी। ये देखिए मैं आपको निशान लगा करके दिखाती हूँ। देखिए एक ये लेयर पहली वाली और एक नीचे इसके दूसरी वाली लेयर, लेकिन आज मैं इस केक को सिर्फ एक ही लेयर में काट रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा की क्रीम पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ 2 लेयर में काट रही हूँ। आप चाहें तो 3 लेयर में काट लीजिए। बस इस चाकू से हमें कोनों में हल्के हल्के निशान लगाने हैं, काटना नहीं है, बस थोड़े थोड़े से निशान लगाने हैं। बिल्कुल 1/2 इंच तक ही हमें चाकू अंदर डालना है, और जैसे ही सर्कल पूरा हो जाए हम अब लेंगे एक धागा, और इसकी मदद से आज हम केक काटेंगे। तो बस धागे को एक तरफ निशान से घुसा दीजिए, और दाएं बाएं खींचते हुए एक साइड से डाल करके दूसरे एंड से निकाल दीजिए। इससे हमारा केक एकदम परफेक्टली इवनली कट होगा, और आपको किसी बड़े चाकू छुरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैं आपको काट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा केक इवनली कट हुआ है। तो आप जब भी कट करें इस तरीके से कट करें, आपका केक बहुत अच्छा नीटली कट होगा। चलिए अब हम इसकी क्रीमिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने क्रीमिंग के लिए यहाँ पर ली है ट्रोपोलाइट की व्हिप्ड क्रीम, आप चाहें तो कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं, और ले लूंगी मैं 4 से 5 चम्मच, और इसको बीटर से विस्क कर लूंगी। इसका मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट किया हुआ है, आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं, मैंने आई बटन में वो डाल दिया है, उससे आपको क्रीम बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स हम बना रहे हैं चॉकलेट केक, तो मैंने ले लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड, और अब मैं इसको चाकू की मदद से थोड़ा सा लगभग 3 से 4 चम्मच बाउल में निकाल लूंगी, क्योंकि हमें इसे मेल्ट करना है। तो आप माइक्रोवेव में 20 सेकंड के लिए कर लीजिए, या डबल बॉयलर वाली प्रोसेस से। मैंने यहाँ पर डबल बॉयलर के लिए पानी गर्म किया है, और इसमें डाल दूंगी अब मैं इस बाउल को। 2 से 3 मिनट में ये चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, गैस एकदम सिम पे रखिएगा। ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा दूध, क्योंकि हमें चॉकलेट सिरप बनाना है, या फिर चॉकलेट गेनाश भी बोल सकते हैं, जो हम केक के ऊपर डालने वाले हैं, और थोड़ी सी ही ये क्रीम या गेनाश हम अपनी क्रीम में भी ऐड करेंगे, ताकि हमारी चॉकलेट क्रीम बन करके रेडी हो जाए। तो आप दूध मिलाने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाइएगा, और फिर ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिएगा। चलिए अब बाकी का काम कर लेते हैं। मैंने लिया है रोटेटिंग टेबल, और हम कार्डबोर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने ले ली एक सिंपल सी प्लेट जिसको उल्टा करके रख लिया है, और उसके सेंटर में लगा दिया थोड़ी सी क्रीम, और अब मैं रख दूंगी अपना ठंडा हुआ हुआ केक का एक नीचे का बेस, और इस पर लगा दूंगी मैं चीनी और पानी का घोल, जिससे हमारा केक अच्छे से मॉइस्चर हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसको इस पर स्प्रेड कर दें चीनी और पानी के घोल को, और इस पर लगा दूंगी मैं एक पतली या मोटी जैसी भी आप चाहें क्रीम की लेयर, अच्छे से इसको फैला दूंगी, और फिर रख देंगे हम दूसरा बेस, और इसको भी अब हम शुगर सिरप से कोट करके क्रीम लगा लेंगे। अब आप सोचेंगे हम तो चॉकलेट केक बना रहे हैं तो हम व्हाइट क्रीम क्यों लगा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप रफली इस तरीके से एक बार कोट करके फ्रिज में रख दीजिएगा। इसके बाद जब आप चॉकलेट क्रीम लगाएंगे तो आपको आसानी भी होगी, और चॉकलेट क्रीम कम भी लगेगी। तो आप रफली कोट करके इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। ये देखिए मैंने क्रीम तैयार कर ली है 1 चम्मच चॉकलेट सिरप डाल के व्हाइट क्रीम में, तो आप भी इसी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने चॉकलेट क्रीम से अच्छे से इस केक को कवर कर दिया है, आप स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं। और अब मैं लूंगी चॉकलेट सिरप जो हमने बनाया था, और स्पून की हेल्प से इसके कोनों में थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी, ताकि ऐसे टपकने वाली कुछ लाइन सी बन जाए। आप चाहे तो पाइपिंग बैग भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ सिंपल स्पून से ही डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने चारों तरफ इसको डाल लिया है, और अब जो बचा हुआ चॉकलेट सिरप हमने बनाया है उसको सेंटर में डाल देंगे, 4 चम्मच बहुत रहेगा। और अब हम केक को उठा करके थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, ताकि ये सिरप कोने तक आ जाए। हमें बिल्कुल कोने तक नहीं लाना है, बस किनारों तक ही रहकर इसे छोड़ देना है,
क्योंकि हम यहाँ किनारों पर डिजाइन बनाने वाले हैं। तो मैंने चॉकलेट क्रीम को अपने एक पाइपिंग बैग में भर लिया है और लगा दिया है एक स्टार नोजल, और आज हम पूरा केक इसी स्टार नोजल से डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर और नीचे एक स्टार नोजल से फ्लावर बना दूंगी, ये बना दिया नीचे, और एकदम इसके सामने बना दूंगी, और एक बना दूंगी इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में। ऐसा करने से हमारा डिजाइन एकदम सिमेट्रिकल बनेगा, कहीं भी कम ज्यादा नहीं लगेगा। ये चार फूल बनाने के बाद अब मैं जो बाकी स्पेस है उसमें फ्लावर बना दूंगी। ये देखिए मैंने चारों तरफ फ्लावर बना दिए हैं, और अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़े से सिल्वर बॉल्स ताकि ये और ब्यूटीफुल दिखे। और अब नीचे बॉर्डर पे मैं इसी स्टार नोजल से इस तरीके से एक बॉर्डर बना दूंगी, और जो भी कुछ गिरा है उसको कपड़े से या टिश्यू पेपर से क्लीन कर दूंगी। साथ ही अगर कोई स्पेस मेरी बची हुई दिख रही है तो मैं स्टार नोजल से छोटे छोटे फ्लावर भी बना देती हूँ, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। इससे कोई खाली स्पेस भी जो होगी वो कवर भी हो जाएगी। तो लीजिए, तैयार है आपका बेकरी स्टाइल एकदम बढ़िया बेक हुआ हुआ चॉकलेट केक। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में केक बनाइएगा, एकदम प्रोफेशनल लुक वाला ये केक लग रहा है हमारा, बढ़िया से बेक, बढ़िया से डेकोरेशन हुई हुई। चलिए मैं आपको इसको काट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्मूथली ये कट हो रहा है। आप चाहें तो केक बनाकर इस तरीके से कट करके पेस्ट्री की तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं, या जैसा भी चाहें सर्व कीजिए, यह आपके ऊपर है। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें से पीस निकल के आया है, बिल्कुल लग रहा है चॉकलेट पेस्ट्री। तो फ्रेंड्स, आज मेरे इस वीडियो को देखकर मुझे ये आशा है कि आप सभी के डाउट्स और कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट और कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों का जवाब देने की। आप सभी मुझे अपना पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।